दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे, विकेश नॉलेज स्पाइडर। दोस्तों, आज हम लोग कंजम्पशन फंक्शन इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग को आज ये समझना है बेसिकली कि भाई जो भी हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो हमारा कंजम्पशन है और कंजम्पशन के साथ उसका जो एक्सपेंडिचर है, देखिए इनकम कमा रहे हैं और इनकम जो हम लोग लगा रहे हैं मतलब एक्सपेंडिचर, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका टॉपिक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट का। फर्स्ट यूनिट का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस पढ़े थे। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशनशिप, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग का जो टॉपिक आता है दैट इज योर यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो यूटिलिटी है ये बेसिकली सेटिस्फैक्शन होता है, हैप्पीनेस होता है और प्लेजर होता है जो कि एक इंडिविजुअल डिराइव करता है कहाँ से, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से। ये एक सब्जेक्टिव मेजर है, कहने का मतलब है ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग होता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कहने का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, नीड्स एंड टेस्ट। यूटिलिटी एक मेजर होता है कि आप कितना एक जैसे कि मान लेते हैं, आप मुझे बताइए कि आप मेरे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो। अगर पसंद करो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इट मींस व्हाट कि आपको कितना यूजफुल लग रहा है मेरा वीडियो, यानी कितना आप इंजॉय कर रहे हो मेरे वीडियो को, दैट इज योर बेसिकली यूटिलिटी। इट वेरीज विद द अमाउंट ऑफ डिजायर, ये अमाउंट ऑफ डिजायर के हिसाब से क्या होता है, वेरी करता है। यूटिलिटी ऑफ गुड डिफर फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अनदर। देखो होता क्या है कि जो यूटिलिटी होता है एक गुड का, वो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में डिफर करता है। मतलब किसी गुड का यूटिलिटी ज़्यादा होगा किसी कंज्यूमर के लिए और वही किसी कंज्यूमर के लिए उस गुड का यूटिलिटी कम हो सकता है। मान लेते हैं कि आपके लिए फिफ्थ सेमेस्टर का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इट मीन्स कि आपके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो वीडियो है उसमें यूटिलिटी है, बट फिफ्थ सेमेस्टर के वीडियो में कोई यूटिलिटी नहीं है। उसी प्रकार से फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस में यूटिलिटी नहीं है, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर की वीडियोस में यूटिलिटी है। दैट इज योर यूटिलिटी, मतलब यूजफुलनेस। ये क्या होता है, बदलता रहता है सेम कंज्यूमर में भी ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ डिजायर। होता क्या है कि अभी आपको आप में ये यूटिलिटी आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोज में या फिर यही वीडियो जो आप देख रहे हो अभी फिलहाल में, आपको इस टाइम पर इस वीडियो की जरूरत है, दैट्स व्हाई इस वीडियो में आपके लिए यूटिलिटी है। बट आप जब सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में चले जाओगे, आपके हिसाब से इस वीडियो में कोई यूटिलिटी नहीं है। कहने का मतलब है वही कंज्यूमर जो कुछ समय पहले जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल था, अब उसके लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं है और उसके हिसाब से अब जो डिजायर का अमाउंट है वो उतना नहीं है। इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ यूजफुलनेस, इसको इक्वेट नहीं करना चाहिए यूजफुलनेस के हिसाब से, ठीक है। अगली बात करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, ये बताता है कि एक पर्सन जो है जितना ज़्यादा किसी गुड्स के यूनिट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसको मिलता रहता है, मतलब कि जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, मार्जिनल सेटिस्फैक्शन उसको जो मिलता है हर एक एडिशनल यूनिट से, वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होते रहता है। आप ही मानिए, पहला रोटी आपने कंज्यूम किया, भूख लगा था बहुत तेज से, आपने पहला रोटी कंज्यूम किया, यूटिलिटी ज़्यादा मिला, दूसरा यूटिलिटी कंज्यूम किया, हल्का से यूटिलिटी कम मिला। कहने का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी जो है आपकी क्या हो गई, कम हो गई। ये प्रिंसिपल एक की एलिमेंट है समझने में कंज्यूमर के बिहेवियर को और हेल्प करता है पता लगाने में कि क्यों इंडिविजुअल कोई भी एक व्यक्ति क्यों अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है एफिशिएंटली अपने कंजम्पशन के या फिर अपने कंजम्पशन को बैलेंस करके अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में। कहने का मतलब है कि किस प्रकार या क्यों कोई एक इंडिविजुअल अपना रिसोर्सेज एफिशिएंटली क्या करता है, एलोकेट करता है। मान लेते हैं कि आप ही एज अ कंज्यूमर हो, आपको जिस चीज़ की जरूरत नहीं है आप उसको तुरंत नहीं खरीदोगे, ठीक है। आप गए मार्केट देखे कि भाई ये चीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन कहोगे ये तो मेरे पास है ही। मान लेते हैं कि आपने शर्ट ही देखा, ठीक है, आपने एक शर्ट ही देखा, तो शर्ट देखा तो आपने कहा कि ले लूँ क्या, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ही करेंगे लेके, पहले से मेरे पास है। तो
तो आपने क्या देखा वहां पे? आपने देखा कि भाई आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको उतना उससे डिजायर आपका नहीं है, लेकिन जिस चीज की आपको जरूरत है आप उस तुरंत उस चीज को क्या कर लोगे, परचेस कर लोगे। शूज की आपको जरूरत है, आपने शूज तुरंत परचेस कर लिया। तो यही कहलाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें हेल्प करता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। बात समझ में आया? एजम्पशंस क्या मान के चलते हैं इस प्रिंसिपल्स के लिए, इस प्रिंसिपल के लिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए? ध्यान दीजिएगा, एजम्पशन क्या है इसका? इट इज एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया जाता है कि जो यूनिट है कंज्यूमर गुड का वो स्टैंडर्ड वन है। कहने का मतलब है, ये मान के चला जाएगा कि जो यूनिट है कंज्यूमर गुड का वो स्टैंडर्ड है। कहने का मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो जैसा पहले रोटी था वैसा दोबारा फिर से वैसा ही रोटी बना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को ये एजम्पशन लेके चलना है। एजम्पशन होते ही ये हैं कि जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। ये एज्यूम करके चलना है कि यूटिलिटी मेजरेबल है और इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट ये एजम्पशन हम लोग को मान के चलना है। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस एक रहेगा, सेम रहेगा पूरे कंजम्पशन के पीरियड के दौरान, और कंजम्पशन में लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आप रोटी खा रहे हो और अगला रोटी आप शाम के टाइम पे खा रहे हो, तब तो कहोगे अरे तब तो कंजम्पशन मेरा बढ़ गया, मतलब डिजायर तो मेरा बढ़ गया, मेरा एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो कम तो नहीं हुआ, बढ़ गया बल्कि। तो ऐसा नहीं है, लगातार आपको कंजम्पशन करना है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, मतलब जितना आपको यूटिलिटी 5 रुपये से मिल रही है वही उतनी यूटिलिटी आपको 10 रुपये से मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन ये एजम्पशन हम लोग को मानकर चलना है। इनकम और प्राइस जो है गुड्स का वो अनचेंज रहेगा पूरे कंजम्पशन के पीरियड के दौरान। कहने का मतलब है कि जो इनकम रहेगा कंज्यूमर का वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो गुड्स का प्राइस है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा पूरे कंजम्पशन पीरियड के दौरान। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये शेड्यूल दिया हुआ है कि जब फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी आपका 20 आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 20 का आ रहा है। ठीक, जब सेकंड यूनिट कर रहे हैं तो 35, तो 20 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 15। तो मार्जिनल यूटिलिटी का सेकंड यूनिट के सामने देखिए 15 लिखा है, 35 और 45 में कितना डिफरेंस है? 10। तो अब देखिए 10 हो गया, फिर 45 और 50 में कितना डिफरेंस है? 5 का, 5 हो गया, उसके बाद 50 है, 50 रहा, 0। तो ध्यान देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी पहले आपका 20 था, फिर घटा और घटते ही गया, डिमिनिश होते जा रहा है। पहले 20 था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -5 हो गया, तो ऐसे करते करते निगेटिव हो जाएगा। वही टोटल यूटिलिटी का अगर ध्यान दें आप, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट पर वो कांस्टेंट हो जा रहा है और उसके बाद वो घटना उसका शुरू हो जा रहा है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ते चला जा रहा है और एक पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट पर कांस्टेंट रह रहा है और हॉरिजॉन्टल रह रहा है, पैरेलल रह रहा है किससे? एक्स एक्सिस से। और उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है? डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। तो यही कहलाता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि डिमिनिश कर रहा है ना मार्जिनल यूटिलिटी, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रखा गया है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगला है हमारा जो कॉन्सेप्ट, वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या इक्वी मार्जिनल का जो प्रिंसिपल है, किसने दिया था? H.S. गोसेन ने दिया था, जर्मनी के थे, हेंस इट इज कॉल्ड, और इसलिए इसे गोसेन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में गोसेन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दे, तो आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लिख के आ जाना। अल्फर्ड मार्शल मेड सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट ऑफ दिस लॉ इन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करता है एक कंज्यूमर का बिहेवियर जब वो एक से अधिक कमोडिटी क्या करता है? कंज्यूम करता है। वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो इनकम है जो कि अवेलेबल है कंज्यूमर के पास वो तो लिमिटेड है, जिससे कि वो अपने वांट्स को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। और ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि कैसे कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को अलग अलग कमोडिटीज पर खर्च करता है अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, यानी कि हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए कैसे वो अपने लिमिटेड लेवल ऑफ इनकम को क्या करता है, लिमिटेड लेवल ऑफ इनकम को यूज करता है किस प्रकार से कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो क्या क्या इसके नाम हो गए? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का गोसेन सेकंड लॉ, ठीक, दूसरा नाम हो गया लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा नाम हो गया लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन प्राइसेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये इसके चार नाम हो गए, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन प्राइसेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो इसका नाम ही है, और एक और नाम है गोसेन्स सेकंड लॉ। क्या बताता है? कि किस प्रकार से एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को खर्च करता है मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए एक से अधिक गुड्स पर।
एजम्पशंस क्या मान के चलने हैं? एजम्पशन ये मान के चलना है कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल रहेगा, सो ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए. रेशनल मीन्स व्हाट? कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, ना कि घटाना. और हर एक कमोडिटी का जो यूटिलिटी होगा वो मेजरेबल होगा. मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब 5 रुपये 10 रुपये से कोई मतलब नहीं है. इनकम कंज्यूमर का दिया रहेगा, कमोडिटी का प्राइस भी दिया रहेगा. साथ ही साथ ये जो लॉ है किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे. और इसी वजह से कहा गया है कि कंज्यूमर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. और जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, तो उसका उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा? डिमिनिश करेगा. इस वजह से ये लॉ किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर. एक्सप्लेनेशन क्या है? सपोज कीजिए कि दो गुड्स हैं एक्स और वाई, जिस पर कि कंज्यूमर को अपना गिवन इनकम क्या करना है? खर्च करना है. अब जो कंज्यूमर चूंकि रेशनल है तो वो ट्राई करेगा अपने लिमिटेड इनकम को गुड्स एक्स और वाई पर खर्च करना, लिमिटेड इनकम को, जिससे कि वो उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो? बढ़े. ओनली एट दैट पॉइंट, केवल उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा. तो लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर उस पॉइंट पर होगा जहां की उसका यूटिलिटी, जो लास्ट रुपीज उसने खर्च किया है दोनों पर, मतलब एक्स और वाई पर, वो इक्वल हो जाए. सिमोलिकली कहें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई. यहां ध्यान दीजिएगा. सिंबॉलिकली द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एमयू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एमयू एम, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट. तो मार्जिनल यूटिलिटी किसका रेशियो है? तो एक्स के मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो और प्राइस और एक्स के प्राइस का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए वाई के मार्जिनल यूटिलिटी और वाई के मार्जिनल यूटिलिटी और वाई के प्राइस के रेशियो से, मतलब कि एक्स के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो वाई के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो से इक्वल होना चाहिए. जहां पे एमयू वाई क्या बता रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी. प्राइस क्या बता रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. पी वाई क्या बता रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई. और एमयू एम क्या बता रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी मनी का, पैसे का. तो एमयू एक्स और अपॉन एमयू एमयू एक्स अपॉन पी एक्स और एमयू वाई अपॉन पी वाई, इसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है. ठीक है, ये एक्सप्लेन करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स. मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि एक रुपी जो खर्च किया गया है कमोडिटी एक्स पर उसका क्या मार्जिनल यूटिलिटी है, और जो कमोडिटी वाई है उस पर जो एक रुपया खर्च किया गया है उसका क्या मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है. अब चलिए लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को इलस्ट्रेट करते हैं इस टेबल से. ये उन्होंने क्या दिया है? यूनिट वन एमयू एक्स का जो आ रहा है उससे, जब यूनिट वन लिया जा रहा है कमोडिटी वाई और कमोडिटी एक्स का, तो जिससे तो एक्स वाले की मार्जिनल यूटिलिटी उसका कितना है? 50. और जो वाई का मार्जिनल यूटिलिटी वो 36 है. अब देखिए धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहा है, दोनों का ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है. तो इस तरीके से अगर हम लोग एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकाले तो पहले यूनिट में आ जाएगा 10. कैसे? तो देखिए पहला यूनिट लिया आपका 50 है और एम यू एक्स 50 है, और जो प्राइस है इसमें क्या मान के चला गया है? प्राइस इसमें आई थिंक मान के चला गया है 5. इसमें प्राइस मान के चला गया है कि जो प्राइस है वो कितना है? 5 है. 5 है तो एम यू एक्स कितना है फर्स्ट यूनिट में? 50. और पी एक्स कितना हो जाएगा? 5, तो हो गया 10. फिर वैसे वाई का भी वही मान के चला गया 5 रुपीज. वाई का मान के चला गया है क्या? 4 रुपीज. तो 4 रुपीज मान के चला गया है तो कितना हो गया है? 36/4 दैट इज 9. उसके बाद 45/5 9. तो ऐसे करते करते हमारा एम यू एक्स पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई ये भी क्या होते जा रहा है? डिमिनिश करते जा रहा है, घटते चला जा रहा है. सपोज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, वही बताया ना मैंने अभी, कि मान लेते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का ये कॉन्स्टेंट है और कितना है? रुपीज 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. तो कंज्यूमर जो है वो 6 यूनिट कमोडिटी एक्स का खरीदेगा और 5 यूनिट कमोडिटी वाई का. तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर वो क्या होगा? रुपीज 5 × 6 प्लस रुपीज 4 × 5. तो 30 + 20 कितना हो गया? 50. दोनों कमोडिटीज पर कितना खर्च किया उसने? दोनों कमोडिटीज पर 50 रुपीज. एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो एक्सपेंडिचर होगा उसके सेटिस्फेक्शन का वो मैक्सिमाइज होगा, और इसलिए वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा. मतलब किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे होगा आप ही बताइए.
अगर हम ध्यान दें तो इक्विलिब्रियम पे किस पॉइंट पे होगा ये, तो जिस पॉइंट पर इसका क्या रहा है 50, जैसे 5 × 6 + 4 × 5, क्योंकि 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर विल बी, टोटल खर्च कितना कितना उसने किया, तो 5 × 6 और 4 × 5, तो 5 × 6 = 30 और 4 × 5 = 50, तो ऑन बोथ कमोडिटीज, तो इस पॉइंट पर एक्सपेंडिचर का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमाइज होगा। तो कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ग्राफिकली दिखलाया गया है फिगर 3.2 में। सिंस मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है गुड्स का वो स्लोप डाउनवर्ड है कर्व्स डिपेक्टिंग, तो MUx/PX and MUy/PY ये स्लोप कैसे होंगे, डाउनवर्ड होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही देख सकते हैं आप घट रहा है, इस टेबल में देखिए दोनों ही घट रहा है, इस वजह से सिंस ये हो गया। देन आपका देखेंगे अगर हम लोग तो जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी का वो कॉन्स्टेंट है ओ एम यूनिट पर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है मार्जिन यूटिलिटी मनी का, क्योंकि हम मान के चल रहे थे इज इक्वल टू ओ एम द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, जहाँ की OH अमाउंट ऑफ गुड एक्स, जो OH अमाउंट है गुड एक्स का इस परचेज, वो परचेज किया गया है MUy/PY इज इक्वल टू ओ एम, MUy/PY किसके इक्वल है, ओ एम के, ठीक है, MUy/PY वेन ओके क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, जब ओके क्वांटिटी गुड वाई का क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, इस वजह से जब कंज्यूमर बाई करेगा OH ऑफ एक्स, जब एक्स का OH क्वांटिटी बाई करेगा और ओके क्वांटिटी वाई का बाई करेगा, तब वो जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब जब OH क्वांटिटी बाई करेगा, डायग्राम को ध्यान दीजिए OH दिया हुआ है, तो जब OH क्वांटिटी बाई करेगा और ओके क्वांटिटी बाई करेगा, तब जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो पहला लिमिटेशन इसका क्या है, इस लॉ का, इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। ये जो थ्योरी है ये वीकेंड बाय द फैक्ट कि जो मनी मैनी कमोडिटीज, बहुत सारे ऐसी कमोडिटीज हैं जैसे कार है, हाउस है, ये इंडिविजिबल है, इनको बांटा नहीं जा सकता है, तो इंडिविजिबल गुड्स के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी बात, मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, जितना आपको 5 रुपये सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या उतना ही आपको 10 रुपये से भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, नहीं भाई, किसी से ज़्यादा किसी से कम। थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumptions दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, लेकिन ऐसा रियली में नहीं होता है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, जो मेजरमेंट है यूटिलिटी का वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जितने भी इसके assumptions थे वही इसके क्या बन गए, लिमिटेशंस बन गए, ठीक है। यूटिलिटी इंटरडिपेंडेंट होता है, कहने का मतलब है कि जो लॉ है एज्यूम करके चलता है कि कमोडिटी इंडिपेंडेंट है, और इसलिए इनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, कमोडिटीज या तो सब्सिट्यूट होते हैं या तो कंपोनेंट होते हैं, तो इसलिए इनका जो यूटिलिटी है वो इंटरडिपेंडेंट है, और इस वजह से इनका जो यूटिलिटी वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और यूटिलिटी इंटरडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लॉ एज्यूम करता है कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट, बट यूटिलिटी एक्चुअली क्या होता है आपका, इंटरडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं इंडिफिनिट बजट पीरियड। KE प्रोफेसर KE बोल्डिंग के हिसाब से जो इंडिफिनिट बजट पीरियड है, जो इंडेफिनिट बजट पीरियड है, ये दूसरा डिफिकल्टी है लॉ में। आमतौर पर जो बजट पीरियड है उसे 1 साल का माना जाता है, लेकिन कुछ सर्टेन कमोडिटीज हैं जो कि अवेलेबल हैं अलग अलग सक्सेडिंग अकाउंटिंग पीरियड में, और ये डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे कमोडिटीज का। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का जो डेफिनेशन है क्या बताता है कि एक तरह का ग्राफ होता है जो कि बताता है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मार्केट बास्केट का, जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर जो है वो मार्केट बास्केट प्रेफर नहीं करता है किसी भी के ऊपर, दैट लाइज ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, जो कि सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहा है, इस वजह से कंज्यूमर को इंडिफरेंट माना जाता है चूजिंग वन बास्केट और अदर। ये इंपॉर्टेंट नोट करना है कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये इंडिविजुअल के टेस्ट पर बनाया जाता है, इंडिविजुअल के पसंद पर बनाया जाता है, उनके प्रेफरेंस पर बनाया जाता है, ये इंडिविजुअल के प्रेफरेंस के ऊपर होता है और उसके टेस्ट के ऊपर होता है डिसाइड करना कि कौन सा मार्केट बास्केट उसको सेम यूटिलिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिट्टी खाना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू पराठा, ड्रिंकिंग मोर कोला देन ईटिंग सलाद, आपको कोला ज़्यादा पसंद है सलाद खाने से, या फिर कोई भी चीज़, तो अगर एक पर्सन पिक करता है 2 अलग अलग बंडल, तो वो क्या करेगा, अपने टेस्ट के हिसाब से किसी को ज़्यादा और किसी को कम प्रेफरेंस देगा। डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये जो कर्व होता है जहाँ कंजप्शन एक कमोडिटी का इंक्रीज करता है तो दूसरे कमोडिटी का जो कंजप्शन वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिंस इट इंडिकेट अ पॉजिटिव मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक पॉजिटिव मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखलाता है, तो इंश्योर करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और इससे नेगेटिव या फिर डाउनवर्ड स्लोप आता है। स्ट्रिक्टली कन्वेक्स स्लोप होता है, कह रहा है कि जो कर्व है ये अलाउ करता है सब्स्टिट्यूशन 2 कमोडिटीज के बीच में किसी भी कॉम्बिनेशन में।
एज कंजप्शन ऑफ वन गुड ओवर अनदर गेंस लेस यूटिलिटी। होता क्या है कि जैसे जैसे एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ता है वैसे वैसे दूसरे का क्या होता है, उसका यूटिलिटी घटता है और दूसरे का कंजप्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं कि आपने लिट्टी पसंद है, आपको बहुत सारा लिट्टी खा रहे हो, खाते जा रहे हो पसंद है भाई, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा आपका लिट्टी से जो यूटिलिटी वो कम होके किस पर जाएगा, पराठा पे चला जाएगा। तो यही चीज कह रहा है, इट इज विजिबल एज अ कंज्यूमर मूव्स अलॉन्ग टू द कर्व टू द राइट। तो ये देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो किस तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है, इस वजह से ये स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। कन्वेक्स मीन्स वॉट, कि कुछ इस प्रकार से रहता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है, कन्वेक्स शेप में रहता है, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, क्योंकि ऑरिजिन ऐसे बना रहेगा ऑरिजिन, और ऑरिजिन के कन्वेक्स ये रहता है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो सेट है कर्व का ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। द हायर लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ कर्व शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इस वजह से ये किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मीट नहीं करते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेस लेवल से। कह रहा है कि जो इंडिफरेंस मैप है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कर्व का, एक कर्व जो कि राइट में आ रहा है किसी भी एग्जिस्टिंग वन के, वो एक हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को क्या बताता है, इंडिकेट करता है। एंड द वन ऑन द लेफ्ट शो अ लेसर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जो जितना लेफ्ट होगा मतलब जो जितना इस साइड में आएगा उसका जो सेटिस्फेक्शन है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो उतना ही कम है, और जो जितना राइट में जाएगा उसके कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही हाई है, ज्यादा है। सिमिलरली द कर्व एट द हायर एक्सेस लेवल शो ग्रेटर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देन द कर्व एट लोअर एक्सेस लेवल, हेंस कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर टू मूव अपवर्ड इन द इंडिफरेंस मैप। और होता यही है कि कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि वो इंडिफरेंस मैप पे ऊपर जाए, मतलब राइट के साइड में जाए। नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता है। ये डिनोट करता है कि जो एजम्पशन है कंज्यूमर के परचेस करने का टू कमोडिटीज एंड कॉम्बिनेशन कुड बी रॉन्ग, ये गलत हो सकता है। ये शो करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को केवल एक गुड को शो करने का, इसलिए कर्व नेवर होता क्या है ना कि अगर एक्स और वाई को टच कर लेता तो इसका मतलब ये कि कंज्यूमर केवल एक गुड्स परचेस कर रहा है, बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, हम लोग को दो गुड्स मान के चलने हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और इसी वजह से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, क्योंकि हम लोग एजम्पशन क्या मान के चल रहे हैं, एजम्पशन ये मान के चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटीज को क्या करेगा, परचेस करेगा। एजम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है मैक्सिमाइज करने में सेटिस्फेक्शन को, और ये ट्रांजिटिव और कंसिस्टेंट चॉइस देता है। कंज्यूमर को एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो केवल और केवल दो कमोडिटीज खरीद रहा है कॉम्बिनेशन में केवल और केवल दो कमोडिटीज, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। कंज्यूमर जो है ये कॉम्बिनेशन को रैंक कर सकता है कमोडिटीज के अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से। आमतौर पर कॉम्बिनेशन जिसका हायर सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसी कॉम्बिनेशन को चूज किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एनालिसिस में सेम रहता है। यूटिलिटी एक्सप्रेस किया जाता है ऑर्डिनल नंबर्स में, कार्डिनल नंबर समझ में आ रहा है ना, जैसे कि कार्डिनल नंबर आपका हो गया 1, 2, 3, 4, ये ऑर्डिनल क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे। एज्यूम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू डिमिनिश, ये मान के चलना है कि जो MRS है वो क्या होगा, डिमिनिश करेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लेते हैं कि राहुल के पास 1 यूनिट ऑफ क्लोथ है और 8 यूनिट ऑफ बुक्स हैं, तो तय करता है कि वो एक्सचेंज करेगा 4 यूनिट ऑफ बुक एडिशनल पीस ऑफ क्लोथ, मतलब कि एक अधिक यूनिट लेने के लिए, क्लोथ का एक अधिक यूनिट लेने के लिए वो 4 यूनिट क्या कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा। तो ये सिचुएशन हो सकता है, राहुल इज सेटिस्फाइड विद द 1 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड 8 यूनिट ऑफ बुक्स, मतलब राहुल सेटिस्फाइड है 1 यूनिट क्लोथ और 8 यूनिट बुक से। वो सेटिस्फाइड इससे भी है कि उसके अगर पास केवल 2 क्लोथ रहे और 4 यूनिट ऑफ बुक रहे। कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो राहुल है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है और यूटिलिटी जो है दोनों सिचुएशन में क्या है, सेम है एज अ कंज्यूमर। तो ये मतलब जो राहुल है वो क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अपने चॉइस के हिसाब से। मान लेते हैं कि पहला यूनिट क्लोथ का और 8 बुक्स लिया है, एक अधिक उसको चाहिए अगर क्लोथ, तो उसे 4 बुक्स क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो उसने ऐसा किया। फिर उसे और एक क्लोथ की जरूरत पड़ी तो उसने 2 यूनिट क्या कर दिया, बुक्स का सेक्रीफाइस कर दिया। फिर उसको एक और एडिशनल यूनिट चाहिए था तो फिर उसने क्या कर दिया, बुक्स का एक और यूनिट क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस तरीके से ऐसा होता गया, और ऐसे देख सकते हो कि जैसे जैसे क्लोथ का जो संख्या वो बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बुक की संख्या क्या होती जा रही है, घटते चली जा रही है। इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, और ग्राफ में भी देख सकते हो कि वाई एक्सिस पर लिया गया है बुक को और एक्स एक्सिस पर लिया गया है क्लोथ को। कभी क्या है दोनों एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, नहीं, जीरो नहीं होने चाहिए, अगर टच कर लेंगे इट मीन्स कि जीरो और वो केवल एक गुड्स को खरीद रहा है, और ऐसा मान के लोगों को नहीं चलना, हम लोग को मान के चलना है कि वो 2 गुड्स खरीदेगा। तो इस वजह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करता है कौन, कर्व, और ये हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है टू द ऑरिजिन। ऑरिजिन यहाँ पे देख सकते हो जीरो है, तो जीरो के सामने देखोगे तो कॉन्वेक्स शेप में है, कॉनकेव नहीं। आईसी एंड बजट लाइन, मतलब इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन,
हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है, मतलब जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ज्यादा है, ठीक है। इसलिए कंज्यूमर जो है वो टॉलेस्ट लाइन पर पहुंचने का प्रयास करेगा, लेकिन कुछ बजट कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, मतलब बजट को लेकर कोई दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ड्यू टू लो लेवल लो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बजट कॉन्स्टेंट क्यों आता है? क्योंकि इनकम कंज्यूमर का कम होता है या सीमित होता है। अगर एक कंज्यूमर दो गुड्स खरीदता है तो बजट लिमिटेशन जो है उसे बजट लाइन के हेल्प से और ग्राफ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। एक बजट लाइन जो है वो सारे पॉसिबिलिटीज को बताता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि कंज्यूमर परचेस कर सकता है अपने लिमिटेड इनकम के साथ। ये अलाउ करता है कंज्यूमर को कि वो गिवन बजट के विद इन क्या करे, बाय करे विद इन देयर करेंट इनकम, मतलब कि उनके करेंट इनकम के विद इन, ठीक है। मतलब अगर कंज्यूमर दो गुड्स खरीदता है तो बजट लिमिटेशन जो है वो डिस्प्ले हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन ऑन अ ग्राफ। बजट लाइन क्या बताता है कि उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताता है दो गुड्स के जो कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। जो होता है आपका बजट लाइन का स्लोप, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव प्राइसिंग ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज के रिलेटिव प्राइसिंग को। और ये जो इंडिफरेंस होता है प्राइस में, ये डिफाइन करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। द लोअर द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, जितना कम कॉस्ट होगा कमोडिटी का उतना ज्यादा बजट लाइन क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ऑब्वियस बात है अगर कॉस्ट कम हो जाएगा तो बजट आपका बढ़ जाएगा, अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो बजट आपका घट जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये तब होता है जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है गुड से और उसका कोई इच्छा नहीं होता है और कोई पोजीशन में वो नहीं रहता है कि अपने परचेज को दोबारा वो क्या करे, रीअरेंज करे। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले करने के लिए वो जो कंज्यूमर है वो बाइज टू बी इन इक्विलिब्रियम, लेट्स ब्रिंग हिज इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन टुगेदर। हम जानते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या शो करता है, प्रिफरेंस स्केल शो करता है अलग अलग दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बीच में, मतलब दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के बीच में प्रिफरेंस के स्केल को शो करता है। वहीं बजट लाइन क्या बताता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो कि वो एफोर्ड कर सकता है, पसंद इंडिफरेंस कर्व एफोर्ड बजट लाइन, तो एफोर्ड कर सकता है अपने मनी इनकम से खरीद सकता है एंड द प्राइसेस ऑफ द बोथ गुड्स। तो फॉलोइंग फिगर में आप देख सकते हैं कि हम लोग इंडिफरेंस मैप बनाए हैं IC1, IC2, IC3, IC5। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसे मिलेगा उसको, IC5 पे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे कि IC3 और आपका जो बजट लाइन है, बजट कर्व है मान लें, ठीक है, PL अलोंग द बजट लाइन, PL है ना, RL है आई थिंक, RL है, तो RL जो इसका वो है क्या कहते हैं बजट लाइन है, वहां पे कौन सा आ रहा है आपका डिफरेंस कर्व, IC3, ठीक है। तो IC3 वाले पॉइंट पर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, IC3 वाला जो पॉइंट है उस पर, IC3 का जो आपका कर्व है उस पर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कि उस पॉइंट पर उसका प्रेफरेंस भी है वो और साथ ही साथ बजट में है भी उसके। अच्छा कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, तो दो कंडीशन है, कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी दो कंडीशन मीट करना चाहिए। पहला जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई का, वो एक्स और वाई के प्राइस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं एक्स और वाई दो गुड्स हैं, पहला कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए ये है कि एक्स और वाई का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई के प्राइस के रेशियो से बराबर होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि एक्स और वाई के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा है एक्स और वाई के प्राइस के रेशियो से, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर ज्यादा चाहता है पे करना एक्स के लिए देन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। एज द रिजल्ट कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स का यूनिट खरीदेगा, जिससे कि MRS क्या होगा, फॉल करेगा तब तक जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता है प्राइसेस के रेशियो से और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। अच्छा मान लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई का कम है इन कंपैरिजन टू रेशियो के प्राइस से, प्राइसिंग रेशियो से, मतलब कि एक्स और वाई के प्राइसिंग रेशियो से, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर चाह रहा है कि कम से कम वो क्या करे, पे करे एक्स के लिए देन द प्राइस रिवेलिंग इन द मार्केट। ये इंड्यूस करता है कंज्यूमर को कि वो कम से कम एक्स खरीदे और ज्यादा से ज्यादा वाई खरीदे, जिससे कि MRS क्या होगा, बढ़ेगा। इस पहले किस में MRS फॉल कर रहा था, तब तक फॉल करता रहेगा जब तक कि प्राइस का रेशियो और इक्विलिब्रियम का रेशियो दोनों इक्वल ना हो जाए, मतलब कि प्राइस का रेशियो और इक्विलिब्रियम, प्राइस का रेशियो और MRS इक्वल ना हो जाए तब तक ये फॉल करता रहेगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, MRS राइज कर रहा है और तब तक राइज करेगा जब तक इक्वल नहीं हो जाता किससे, प्राइस से, जब तक MRS इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो बढ़ते चला जाएगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक वो क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, क्या MRS MRS कंटिन्यूअसली फॉल। तो पहला कंडीशन क्या है कि जो x और y के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए x और y के प्राइस से, प्राइस के रेशियो से, और दूसरा कि MRS लगातार फॉल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो ये है
कि MRS जो है वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट के बाद तुरंत से क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। कहने का मतलब है इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन से एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अनलेस MRS कंटिन्यूअसली फॉल। जब तक कि MRS लगातार फॉल नहीं करता तब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, ये नहीं कि एक कंडीशन फुलफिल हो जाए दूसरा नहीं, दोनों का होना जरूरी है, दोनों कंपल्सरी है और नहीं है एंड है। अब समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पर कहाँ है, पॉइंट ई पर है, जहाँ कि उसका बजट लाइन जो ए बी है, बजट लाइन ए बी है वो क्या है, टेंजेंट है IC2 से। तो ये कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंस, मतलब कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पर है पॉइंट ई पे, जहाँ पे कि वो उसका जो बजट लाइन है वो क्या है, ए बी है, और जो आपका है वो टेंजेंट है IC2 से। कहने का मतलब है कि OM लेवल और ON लेवल, कमोडिटी वाई का ON लेवल अगर वो खरीदता है और कमोडिटी एक्स का OM लेवल खरीदता है तब जाके वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अच्छा तो फिगर में क्या दिया है कि IC2 और IC3 ये तीन इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1 IC2 IC3 ये तीन इंडिफरेंस कर्व हैं, और AB जो है वो बजट लाइन है। विद कॉन्स्टेंट ऑफ बजट लाइन हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व क्या है, जो हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो आपका एक्चुअल में तो है IC3, लेकिन विच ए कंज्यूमर कैन रीच, जहाँ तक कंज्यूमर पहुँच सकता है वो क्या है, वो तो है IC2। तो बजट लाइन टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व IC2 है एट पॉइंट ई, और ये जो पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जहाँ कि कंज्यूमर परचेज कर रहा है OM क्वांटिटी एक्स का और ON क्वांटिटी वाई का, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, इसको बायर सरप्लस भी कहते हैं। ये इकोनॉमिक मेजर होता है कंज्यूमर कस्टमर के एक्सेस बेनिफिट का। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंस को एनालाइज करके कंज्यूमर के विलिंगनेस के बीच में टू पे फॉर अ प्रोडक्ट एंड एक्चुअल प्राइस दे पे, इसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। सरप्लस तब होता है जब कंज्यूमर चाहता है पे करना प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि जितना पे करना चाहता है, जितना पे करना चाहता है उससे कम में उसको मिल जाता है। मतलब सरप्लस तब होता है कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे फॉर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, मतलब कि मार्केट प्राइस कम होता है और उसका जो चाहत रहता है उसके लिए पेमेंट करने का वो ज्यादा रहता है, ठीक है। इन दैट केस तो फायदा किसका है, कंज्यूमर का है। क्यों भाई, क्योंकि वो चाहता है ₹10 पे करना लेकिन वही चीज उसको मिल जा रहा है ₹5 में, तो कंज्यूमर क्या है, सरप्लस में है। कंज्यूमर सरप्लस जो है इकोनॉमिक थ्योरी पर बेस्ड है मार्जिनल यूटिलिटी के, जो कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है एक पर्सन का, जो कि डिराइव करता है एक अधिक यूनिट से ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। सेटिस्फेक्शन जो होता है वेरी करता है कंज्यूमर के द्वारा ड्यू टू डिफरेंस इन पर्सनल प्रेफरेंस। थ्योरी के हिसाब से द मोर ऑफ अ प्रोडक्ट अ कंज्यूमर बाय, जितना ज्यादा एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर खरीदता है उतना कम उसकी इच्छा होती है उसके लिए पे करना हर एक एडिशनल यूनिट के लिए, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे खरीदते जाएगा वैसे वैसे उसका जो चाहत रहेगा अधिक पे करने का वो कम होते जाएगा फ्रॉम द प्रोडक्ट, सो दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। और इस तरीके से हमारा यूनिट सेकेंड जो है बेस इकोनॉमिक्स का वो भी कंप्लीट होता है, समझ में आ गया। तो हम लोग ने BRF का 3 यूनिट, बिजनेस इकोनॉमिक्स का 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, ओके। और बिजनेस इन्वायरमेंट कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है थर्ड सेमेस्टर में आता है, मैंने आपको गलत बता दिया, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो है। एक्चुअली कंफ्यूज रहता हूँ थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को लेकर, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। सो होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग दिस वीडियो, एंड ये यूनिट था और ये यूनिट आपका कंप्लीट होता है और ये थर्ड सेमेस्टर के लिए बेसिकली यूजफुल है। सॉरी फॉर द मिस्टेक जो मैंने शुरुआत में बोला, और टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर गेट्स नॉलेज वाइडर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर गेट्स नॉलेज वाइडर एंड, तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर टीम की तरफ से धन्यवाद।